चलो भाई चलो, डरो मत, चलते रहो। लेकिन इतना जरूर पता है कि ये डाकू मानसिंह की गुफा थी और सारा खजाना वो यहीं पे छुपा के रखता था। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के ब्लॉग में हम जा रहे हैं देहरादून के फेमस पिकनिक स्पॉट गुच्चुपानी यानी कि रॉबर्स केव। और इस ब्लॉग में मेरे साथ मेरे दो भाई भी हैं, अनुज और रिपेश। तो गाइस अभी हम आए हैं इस रास्ते से। तो ये रास्ता लगभग देहरादून से अगर आप आते हैं तो 3 किलोमीटर जाकर आपको यहाँ पर मिलते हैं। तो यहाँ से लगभग 2.5 किलोमीटर की दूर गुच्चुपानी है। तो गाइस आपको हम वहीं पर मिलते हैं। De repente y da sentido toda mi vida con tu querer. Una vez ya. Oye, guys, vamos señorita. Magar kirbi. Na jaane kyun. So guys, agar aap मसूरी की तरफ से आते हैं, आगे मालसी से आप अंदर कट करेंगे तो वहाँ से लगभग 3 किलोमीटर दूर आप इस शॉप पे पहुँचेंगे। और ये है आपका गुच्चुपानी का शॉप। तो गाइस यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है, अगर आप कुछ भूल जाते हैं लाना अपना इम्पोर्टेंट सामान जब भी आप घूमने आते हैं तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे। आराम से इधर से आए और अपना सामान लेते जाए। ओए लेना तो नहीं कुछ कुछ भी कुछ भी। केवल 900 मीटर नीचे हम पहुंच जाएंगे रॉबर्स केव। तो गाइस चलते हैं नीचे। तो गाइस अभी हम आए हैं इधर से और जाएंगे गुच्चुपानी की तरफ। लेकिन उससे पहले हम आपको एक और चीज दिखा देते हैं। यहाँ पर ये आपको ग्रैंड पास स्विमिंग पूल जो यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर एक आप फैमिली के साथ आ सकते हैं। लेकिन अभी तो ये पूल बंद है, लेकिन फिर भी आपको बाहर से एक व्यू दिखा देते हैं इसका। आप नजर ना फेरो। हम आपको लेके जा रहे हैं पातालेश्वर मंदिर में, जो कि क्या कल वो पता नहीं इस बारे में भी, वो गुच्चुपानी घूम के चले जाते हैं। लेकिन आज हम आपको मंदिर के दर्शन करवाएंगे, तो चलिए। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं पातालेश्वर मंदिर, चलिए आपको अंदर महादेव के दर्शन करवाते हैं। और शिव जी का बहुत ही प्राचीन मंदिर है जिसका कि पुरा निर्माण करके इसे नया बनाया गया है अभी। और अभी हम आपको अंदर का व्यू दिखाते हैं। चलिए निकल गए हम अपनी दूसरी मंजिल पे। हाँ, मैं आपको लेके जाना था गुच्चुपानी स्माइली एलन जो फेसबुक में सर्च कर सकते हैं आप इन्हें। गाड़ी हमने यहाँ पार्क कर दी है और हम चाह रहे हैं अनंत रिश्ता। तो गाइस यहाँ पर मैं काफी साल बाद आ रहा हूँ, तो मैंने देखा है कि यहाँ पे काफी डेवलप हो चुका है और यहाँ पर मार्केट काफी बड़ी कर दी गई है। बहुत सी चीज़ें नई बना दी। यहाँ पर काफ़ी सारे रेस्टोरेंट आपको और शॉपिंग के लिए भी काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी और साथ में हॉन्टेड हाउस भी आप देख सकते हैं मेरे पीछे। यहाँ पर तो यहाँ का पूरा नक्शा बदल चुका है कुछ ही सालों में। एंट्री नहीं मिली भाई, आ जा 35 रुपये आ जा दूंगा।
la mirada. Quédate cerca de mí. Busco bajo mi tumbero. तो आज भी काफी भीड़ है, वैसे ऑक्सीजन चल रहा है और मंडे है आज, लेकिन फिर भी काफी भीड़ है यहाँ पर। और गाइस ये मास्क यहाँ पे किसी ने पहना नहीं है, वो तो हम लोग की शराफत है कि हम पहन के आ रहे हैं। बाकी और को कोई टेंशन नहीं है इसकी। तो गाइस रॉबर्ट्स के मैं एंट्री लेते वक्त ही जो पहली शॉप पड़ती है वो सुनीता फास्ट फूड की, तो वहाँ पर बहुत ही बेहतरीन चाइनीज फूड मिलता है, तो उसी का लुत्फ अभी हम उठा रहे हैं। कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया है, रीजनेबल रेट पर आपको काफ़ी रीजनेबल आइटम्स मिल जाएंगे, तो आप यहाँ पर आएंगे तो ज़रूर यहाँ पर आना। तो गाइस चलिए अब हम आपको मिलाते हैं दुकान के ओनर के साथ। आपके शॉप में क्या क्या स्पेशलिटी, क्या क्या अच्छा अच्छा बनता है बताइए आप। हमारी शॉप में सबसे फेमस मोमोज है, वेज मोमोज, चिकन मोमोज और बाकी जो भी है, पर ज्यादा मोमोज फेमस है। हाँ भैया, तो पेट पूजा के बाद आप कहाँ जा रहे हैं? सीधा अंदर गुफा की तरफ। हाँ तो भैया भीगने के लिए हो जाओ तैयार। और गाइस अगर आप चप्पल लेकर आना भूल जाते हैं घर से तो आपको यहाँ से भी मिल जाएगी, और जिसका किराया आपको सिर्फ देना पड़ेगा 10 रुपये। तो गाइस यहाँ से आप एंटर होते हैं और आप जाएंगे सीधा रॉबर्ट्स केक की तरफ यहाँ से। चलिए गाइस रॉबर्ट्स केक की तरफ चलते हैं। तो वह माना जाता है डाकू मानसिंह जो था, तो सारे जो खजाने की चोरी करता था, वो सारे खजाने वो उसी गुफा में छुपाता था। खुल जा सिम सिम। तो चलिए अब उसी की तलाश में हम जा रहे हैं, देखते हैं हमें क्या मिलता है। मिला कुछ? कुछ नहीं है भैया, मुझे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया है, आइए देखते हैं। अरे इसमें तो यार बहुत सारे आभूषण लगे हैं भाई। मुझे कुछ मिला, डाकू मान सिंह का चश्मा मिला मुझे आज, और मैं पहन के दिखाऊंगा तुम्हें। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने लो, रहने तो बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। एक कैंटीन यहाँ पर है गाइस, और जो हम लास्ट कैंटीन में आपको लेके जा रहे हैं उसका रास्ता यहाँ से है, और शायद एक झरना भी है आगे, तो वो आपको सारी चीज़ें एक्सप्लोर करके हम दिखाएंगे अभी, तो चलते रहिए गाइस।
गाइस अभी हम यहाँ से अंदर आए हैं और जो यहाँ का मेन झरना है वो हम आपको दिखाते हैं। चलो भाई चलो, डरो मत, चलते रहो। आए हैं हम और ऊपर इस तरफ जाना है। इज इट सेफ? सेफ। आइए आइए, ट्रैकिंग करते रहिए। और भी रिस्की है, यहाँ पर डर फिसल सकता है, ये बहुत रिस्की लगता है। पूरी ट्रिप बना चल रहा है। तो देखिए हम पहुंच गए हैं ऊपर और झरना रह गया नीचे। कैंटीन है आगे भी। तो गाइस आप देख सकते हैं ये जो दीवार है पूरी पत्थर की बनी हुई है। तो किसी जमाने में इस चीज़ के लिए बनाई गई थी वो तो हमें पता नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि ये डाकू मानसिंह की गुफा थी और सारा खजाना वो यहीं पे छुपा के रखता था। तो गाइस अभी उस एरिया से हम आए हैं, वहाँ पे पानी का बहाव बहुत ज़्यादा था और काफ़ी शोर आप भी सुन ही रहे थे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा पानी का बहाव भी कम है और अभी लोग भी बहुत कम आ रखे हैं यहाँ पर। वैसे सीज़न के टाइम यहाँ पूरा फुल रहता है, तो कभी आप आते हैं तो यहाँ पर पूरा आइए, वहाँ वापस पर चले जाइए वहाँ से, क्योंकि एक्सप्लोर करने के लिए काफ़ी कुछ है यहाँ पर। और ये देखिए ये साइन आप देख रहे हैं, बस इसी को फॉलो करते हुए आप आगे बढ़ते रहिए। तो गाइस हमने रोवर्स केव का पूरा केव पूरा पार कर चुके हैं। पार करने के बाद हम लास्ट में आ चुके हैं। लास्ट में देखिए पूरा खुला है, यहाँ पर मैदान है। एक नदी उधर की साइड जा रहा है, पीछे एक नदी इधर जा रही है, दो नदी कटती इधर से। तो अब इधर पे आ चुके हैं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, बहुत अच्छा लोकेशन है। अब इधर तक आ सकते हैं और काफ़ी अच्छी जगह का अच्छा लुफ्त उठा सकते हैं, अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा आपका। हो सके तो गर्मी में आए, गर्मी में ज़्यादा एंटरटेनमेंट होगा इधर। तब तो पूरा फुल रहता है ये, और यहाँ तक भी आपको पूरी भीड़ दिखाई देगी। आज तो लोग आधे तक ही आ रहे थे और वापस चले जा रहे थे वहाँ से, लेकिन जब आप गर्मी में आएंगे तो आपको जगह ही नहीं मिलने वाली, लाइन लगा के आना पड़ेगा पूरा अंदर। आप इधर भी आगे भी जा सकते हैं, आप आगे भी है, आगे भी ऐसी गुफा शुरू हो जाती है। तो आप जरूर आइए आगे तक, यहाँ पे एक लास्ट में कैंटीन पड़ती है, उधर पर भी आइएगा, उधर पर आपको काफ़ी अच्छा मिल जाएगा चाइनीज़ फूड वगैरह, जगह मिल जाएगी बैठने के लिए इधर पर ही। और कहते हैं कि डाकू मानसिंह की गुफा थी और तो सारा वो जो खजाना लूट के लाते थे तो यहीं पर वो छुपाते थे। तो अगर आप खजाने को खोजने के शौकीन हैं तो यहाँ पर आकर आप ढूंढ सकते हैं, क्या पता आपकी किस्मत खुल जाए, लॉटरी लग जाए आपकी। बिल्कुल गाइस, तो आप ट्राई जरूर कीजिएगा ये चीज़, हमने ट्राई किया, हमारे तो किस्मत थी नहीं, शायद आपकी खुल जाए। तो गाइस पूरा आप एक्सप्लोर करने के बाद आप चल रहे हो वापस, और आपको एक एक्सपीरियंस कैसा लगा जरूर बताइएगा।
काफी मुश्किल रास्ता है भाई। वॉच का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। अरे भाई सर, बात सर, अरे भाई मैं नहीं मानता ये गाड़ी आ रही है।